उसके बाद अब एक होता है जी नियर पियर है तो फैकल्टी है थोड़ी सी हल्की होगी, लाइक क्या सब्जेक्ट्स हैं, इतना कम पैसे पढ़ा रहे हैं। तो अब फैकल्टी की बात करूँ तो पूरे पाकिस्तान के फ्रॉम द बेस्ट फैकल्टी जो है वो नियर पियर पे अवेलेबल है। अब वो कौन सी है अगर हम देखें तो सबसे पहले आएगी हमारे पास रातिफ आबदी, जो नियर पियर के सीए विंग के प्रिंसिपल जो है वो यही है। इनकी मैनेजमेंट में सारा जो नियर पियर है सीए विंग चल रहा होता है। अब आतिफ हफीज साहब को लाइक ये तो किसी तारुफ के मोहताज ही नहीं है, मैं इनके बारे में क्या बोलूं, बिकॉज मेरे भी आइडियल है, इनको देख के सारा कुछ किया वन, लाइक जब ये या मैं इनका स्टूडेंट था, अभी भी इनका स्टूडेंट ही हूँ, जब इनसे क्लास पढ़ता था तो सामने खड़े होते थे, उस वक्त मैं इनको आइडलाइज करता था। इनकी बाबे की कहानी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तो बड़ी फेमस है, इनका क्रूड्स दिखाना बीएमबीएस में, तो वहां से इनको आइडलाइज किया हुआ था। तो एक शख्स को आइडियलाइज करते हुए अब उनके साथ बैठ के उनकी गाइडेंस में, तो ये तो मेरे आइडियल है। और ये नियर पियर के ऊपर आपको कैफ 3 ऑफर कर रहे हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो बड़े बच्चे बड़े होते हैं यार, अब जिस हिसाब से एम में कैसे पढ़ाएंगे। तो आप कभी भी इनके कोर्स पे जाएं, जाकर देखें, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड स्क्रिप्टेड कोर्स है, जो एक बहुत ही यूनिक वे में, एक लॉजिकल वे में लेके चले हुए हैं, कैफ 4 बिजनेस लॉ। अब जो ये बिजनेस लॉ ऑफर कर रहे हैं आपके साहब, आप इसे कह सकते हैं कि ये इस वक्त जो नियर पियर का कोर्स पड़ा हुआ है ये मेरिट सर्टिफिकेट वाला कोर्स है, कि इस बच्चे से इस कोर्स को पढ़ के, और उस बच्चे ने पढ़ा था फास्ट ट्रैक में, 40 दिनों में कोर्स को पढ़ के उसने मेरिट सर्टिफिकेट लिया था। फिर एमएफए ऑफर कर रहे हैं उसके मैनेजरियल पोर्शन, कंपनी लॉ ऑफर कर रहे हैं, और कैफ 8 ऑडिट एंड इंश्योरेंस जो है वो ऑफर कर रहे हैं। तो टोटल सब्जेक्ट हमारे नियर पियर पे कैफ में 8 होते हैं, जिसमें से 5 जो है वो कर रहे हैं। उसके अलावा सी फैप में भी आप जिस साहब जो है आपको नजर आएंगे, लेकिन अभी सी फैप में चूंकि आप नहीं है तो मैं उसके खाब बाद में दिखाऊंगा, बाद में आता हूँ। अब हमारे नियर पियर पे सीए विंग के प्रिंसिपल हैं, कैफ में सी फैप में कोर्सेज जो है वो डील कर रहे होते हैं, इनके क्रैश कोर्स, इनकी फ्री रिविजन जो है आई कैफ की फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है। फिर सीए में इजी में प्रिंसिपल रह चुके हैं, प्रिंसिपल हैं ये, स्कैन सीए फाइनल कंपेंडियम के प्रिंसिपल रह चुके हुए हैं ये। उसके अलावा एसबीआई के अब जो हैं, जो इनका अपना इंस्टीट्यूट है, उसके भी प्रिंसिपल हैं, मल्टीपल बुक्स के ऑथर हैं, टू द पॉइंट बुक्स, पॉकेट नोट्स के ऑथर्स ये हैं, उनके ऑथर छोड़े उनको बनाने वाले जो हैं, उनका एक आइडिया प्रेजेंट करने वाले पॉकेट नोट्स का वो ये है। 11 से ज्यादा बुक्स पब्लिश कर चुके हुए हैं, आई कैप के टेक्निकल और डेवलपमेंट मैटर्स में जाकर सर्व करते हैं, मशवरे दे रहे होते हैं। इनके स्टूडेंट बेस जो है 15,000 से ज्यादा की है, और उनके स्टूडेंट जो है मेरिट सर्टिफिकेट अचीव कर रहे होते हैं। एक अभी रिसेंट अगर मैं 2 साल के स्पैन में बात करूं तो कैफ 7 ऑन नियर पियर मेरिट सर्टिफिकेट आतिफ आबदी, कैफ 4 बिजनेस लॉ मेरिट सर्टिफिकेट बाय आतिफ आबदी। इससे ज्यादा मैं इनके बारे में नहीं बोल सकता, बिकॉज वैसे ही मेरे आइडियल है, आप इनके बारे में जानना ज्यादा बेहतर। अगर मैं इनके बारे में कुछ बोलूँ और मैंने कोई गुस्ताखी कर दी तो आप लोगों ने मुझे कतल कर देना है। तो आतिफ आबदी और इनकी ही सारी टीम जो है वो चल रही होती है, जो सारे इनके विजन के मुताबिक क्या कर रहे हैं उसकी सबको ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आपने कोई भी कोर्स वगैरह लेना है आतिफ आबदी साहब का, बिजनेस लॉ हो गया, कंपनी लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, सीएमए हो गया, आप विजिट करें नियर पियर के ऊपर, उनकी वेबसाइट पे जाएं, उनके कोर्सेज पड़े हुए हैं, इन्होंने कुछ मॉड्यूल्स जो है और बड़े इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स फ्री रखे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने सीएमए का सीवीपी एनालिसिस जो है वो फ्री रखा हुआ है, प्रोसेस कॉस्ट फ्री रखा हुआ है, ताकि बच्चे को अंदाजा हो, बच्चा सिर्फ वो एक होता है ना, एक दो वीडियो पढ़ के फैन ना बन जाए, उसको प्रॉपर चीजें रखें। तो आप जाकर इनके कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, आप इनके डेमो वीडियोस देख सकते हैं, आपको चलेगा पता कि कितना ही ये बंदा कैलकुलेटेड वे में लेके चल रहा होता है, कितना साइंटिफिक वे में लेके चल रहा होता है, पर बच्चों की जिंदगी वाकई आसान कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास आतिफ आबदी साहब, जो हमारे थ्योरेटिकल पेपर्स के जो है वो बेताज बादशाह है, और न्यूमेरिकल्स में भी, चूंकि अब ये सीएमए में भी आ चुके हुए हैं। उसके बाद अब्दुल अजीम साहब, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर हमारे प्लेटफॉर्म के, पीएचडी स्कॉलर है, एसएससी क्वालिफाइड है, सीएमए यूएसए से एमफिल एमएस कॉमर्स किया हुआ है, 16 ईयर्स इनका ज्यादा एक्सपीरियंस है। इनके नियर पियर के ऊपर 2 कोर्सेज मौजूद है, इनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर है, और एमएफए का जो फाइनेंस का पोर्शन है वो भी जो है ये डील कर रहे होते हैं। कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, फिर ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये सारे इनके स्पेशलाइजेशन है। जो पाकिस्तान के बड़े जो प्रोफेशनल लीडिंग इंस्टीट्यूशन है उसके फुल टाइम फैकल्टी मेंबर हैं, और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजमेंट में जिनके डिप्लोमाज हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं। उसके अलावा इनके स्टूडेंट बेस जो है वो 10,000 से ज्यादा है, सीए एसीसीए में वेरियस लेवल पे टीच कर रहे हैं, और इनकी तो लाइक यूएसपी अगर कहते हैं तो इनकी एक्सटेंसिव, सॉरी फॉर माई थॉट,
इनकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस की अप्रोच, बच्चों को इतना इजी वे में चलते हैं। सीएम में जैसे मुश्किल पेपर को उन्होंने बड़ा आसान बनाया, तो बच्चे इनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत इनको हाईली रैंक करते हैं सीएमए में और एमएफए में। अब्दुल अजीम साहब, आप इनके भी कोर्सेज में जाके आप इनके फ्री मॉड्यूल्स दे सकते हैं, फ्री वीडियोस देख सकते हैं, उनको जाके आप एक्सेस वगैरह कर सकते हैं। तो उसके बाद आते हैं हमारे पास वसीम अकरम साहब। तजर्बा इनका 8 साल से ज्यादा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ये लाइक न्यूमेरिकल्स किंग के न्यूमेरिकल्स के सब्जेक्ट के हाईली रेटेड टीचर है, फाइनेंशियल और मैनेजेरियल अकाउंटिंग के। नियर पीयर पे इनका CAF 1 मौजूद है, FAR 1, CAF 3 इनका मौजूद है, सीएम में CAF 5, इनका FAR 2 और इनका MFA भी जो है उसका फाइनेंशियल पोर्शन आने वाला है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत ज्यादा अपने सब्जेक्ट के साथ सिंसियर है, बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत डिटेल्ड वे में लेके चलते हैं। जो बच्चे को होता है ना बिल्कुल बेसिक से उठाना, बिल्कुल बच्चे को बेसिक से उठाते हैं, बेसिक से लेके चल रहे होते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप बच्चे को गाइड करना, वो बच्चे साथ ओवर द सेशन इन्वॉल्व रहना, उसको रिवीजन सेशंस करवाना, हर एक चीज में बच्चे को जो है वो लेके चल रहे होते हैं और इनका रिजल्ट हमेशा एक ऐप के रिजल्ट से जो है वो बेहतर होता है। इसके अलावा ये सीफ ऐप में जैसे ये नोट्स जिसके बारे में बात की थी उसमें एज एग्जामिनर के तौर के ऊपर भी सर्व कर चुके हैं, जो BFT वगैरह के थे। इनका टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो 8 साल से ज्यादा है, क्रैश कोर्सेज ऑफर कर रहे होते हैं, 1 डे रिवीजन ऑफर कर रहे होते हैं। इनका एटीट्यूड बहुत फ्रेंडली है, बहुत ही प्रोफेशनल में बच्चों को लेकर चलते हैं, एक होता है ना बच्चों के साथ घुल मिल के रहते हैं, बच्चों को फील नहीं करवाने देते, बच्चों की हमेशा परेशानियों को समझते हैं, उनको अकोमोडेट करते हैं। एक फैकल्टी मेंबर रह चुके हुए हैं, एक बहुत बड़े इदारे के एक्स फैकल्टी मेंबर रह चुके हुए हैं, अभी SBA के परमानेंट फैकल्टी मेंबर है, इनके अपनी पब्लिकेशंस हैं, इनके अपनी बुक हैं R1 की, CMA वगैरह की। तो ये वसीम अकरम है, आप इनके कोर्सेज में जाएं, इनका फेस कंटेंट का कोर्स जो है वो अवेलेबल है, आप इनके कोर्सेज में जाएं, इनके कोर्सेज को एक्सेस करें, आप इनके फ्री मॉड्यूल्स को देखें, आपको चलेगा पता ये कितना अच्छा जो है ये पढ़ा रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं जुबैर सलीम। ओहो हीरो, ये हमारे हीरो में जुबैर सलीम साहब, जैसे क्वालिफाइड मतलब 10 साल इनका एक्सपीरियंस जो है 16 ईयर से ज्यादा का हो गया है। ये आप समझ लें ACCA की दुनिया में ना ये बेताज बादशाह है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के। इनके स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है इस सब्जेक्ट में, रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन ले रहे होते हैं। आपने अक्सर, अब तो वो एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गई हुई है, ज़ारा नईम डार, आपने उनको देखा हो तो ये उनके टीचर हैं, तो उन्होंने पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में टॉप किया था, तो वो उनकी ही स्टूडेंट थी। तो चूंकि ये ACCA में बहुत ज्यादा इन है, बहुत ज्यादा वहां के किंग है, बेताज बादशाह है, अनडिस्प्यूटेड किंग है रिपोर्टिंग के, तो हमने इनको रिक्वेस्ट करके कहा सारा आप जरा वहां पे बच्चों की जिंदगी आसान करके बैठे हुए हैं, थोड़े से CA के बच्चों की जिंदगी भी आसान करे, तो ये अब नियर पीयर के ऊपर CAF 1, FAR 1 हो गया, CAF 5 हो गया, CFA 1 जो है वो नियर पीयर पे क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। इनके स्टूडेंट्स जो है वो अराउंड द ग्लोब है, यहाँ तो हमने बात की ना पाकिस्तान के, हमें मिलेंगे बच्चे जी लाहौर में, कदर मिल गया एक, अदर कराची मिल गया, भाई ये किसी मुल्क जाएंगे तो वहां पे इनका स्टूडेंट फुटफॉल मिलेगा। 10,000 बच्चा पढ़ा चुके हैं अराउंड द ग्लोब, FCCA है, MPhil है, खुद ये डिस्टिंक्शन होल्डर है, मल्टीपल इनके स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्टिंक्शन लेके जाते हैं, जरा नईम डार जैसे हो गई, अभी इनके रिसेंट भी पहले बच्चे का आया था, IFRS की वर्कशॉप करवा रहे होते हैं, इनका एटीट्यूड बहुत नाइस है, बच्चों को फील लाइक बच्चों को बहुत पोलाइट वे में लेके चलते हैं। अगर आप इनके कोर्सेज में जाएं, एक्सेस करें, आपके पास फ्री मॉड्यूल्स होंगे, आप देखें आप पसंद करेंगे कि कितना पोलाइट वे में लेके चल रहे होते हैं, और बहुत ही प्रोफेशनल टीचर हैं, एक्सपीरियंस वाइज, एटीट्यूड वाइज, नॉलेज वाइज, लाइक ही इज वाओ, सिंपली वाओ। तो आप इनके कोर्सेज को लाजमी एक्सेस कीजिएगा, वहां जाके इनको देखिएगा। उसके बाद जी सर जहांजेब, इनको तो अभी मैं बोलना शुरू करूंगा, बच्चों ने कहना है हाँ पता है हमें ना सिखाओ, हमें ज्यादा पता है, क्यों? बिकॉज जब बच्चा PRC में आता है तो PRC का बच्चा हो पाकिस्तान में कहीं भी, उनका ताल्लुक सर जहांजेब के साथ लाजमी है ही है। उसके अलावा जब बच्चा PRC या कैफ वगैरह करेगा और जब हैंड ऑन कोर्सेज में जाएगा तब भी उसका ताल्लुक जो है, जब MSO से पढ़ेगा तो MSO इज इक्वल टू सर जेजी, उसका ताल्लुक फिर सर जहांजेब से पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो सर जहांजेब लाइक वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल टीचर जो है आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल वे में लेके चलते हैं,
बहुत ही प्रोफेशनल वे में चीजों को गाइड कर रहे होते हैं। तो ये नियर पीयर के ऊपर इनका अभी कैप लेवल में बात करूं तो FAM उनका कोर्स मौजूद है, PRC 2, QM हो गया, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हो गई, उसके कोर्सेज मौजूद हैं, CAP 3 ये डील करते हैं। इनके बेतहाशा क्रैश कोर्सेज जो हैं फ्री में इवन यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, उन सब्जेक्ट्स के भी जो अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं, जैसे एक उधर सब्जेक्ट IT उसके क्रैश कोर्स पड़े हुए हैं। इनका एक्सपीरियंस जो है, यहाँ पे मिस्टेक होगी सर मुझे मारेंगे पकड़ के, इनका एक्सपीरियंस जो है व्हाट्सएप से ज्यादा है। अभी जो दिखाया था नियर पीयर में, जो पिछले 2 साल में मेरिट सर्टिफिकेट आया है, एक मेरिट सर्टिफिकेट इनके स्टूडेंट का था, सीए फाइनलिस्ट MBA किया हुआ है, MPhil फाइनेंस है, PIFA के भी ये मेंबर हैं, तो ये इनकी क्वालिफिकेशन है। फिर जो ऑथर है वेरियस बुक्स के, PRC 2 की, PRC 2 के, उसके अलावा इनके प्रैक्टिस नोट्स, इनकी असाइनमेंट्स, इनके नोट्स बहुत ज्यादा वायरल है, पब्लिकली बहुत ही वायरल टीचर है ये हमारे, और बहुत साइंटिफिक वे में, बहुत कैलकुलेटेड वे में ले चलते हैं, लॉजिकली, लॉजिक्स के तो बेताज बादशाह है। बिकॉज क्योंकि MSO के ट्रेनर है ना, तो MSO के ट्रेनर में जब एक्सेल्स में आते हैं तो लॉजिक्स में होते हैं, तो हर चीज में लॉजिक है। आप इनसे अगर रिपोर्टिंग पढ़ रहे होंगे तो रिपोर्टिंग में भी आपको ये लॉजिक्स एक्सेल पे ले आएंगे कि यार ये सवाल एक्सेल पे करेंगे ऐसे करेंगे, तो इंतहाई लाइक आप कह सकते हैं कि साइंटिफिक वे में लेके चल जाते हैं। स्टूडेंट इनको बहुत हाईली रेट करते हैं, इनकी एक्सपर्टीज बहुत अच्छी है, इनकी कमांड बहुत अच्छी है, एंड जब रिविजन वगैरह करवा रहे होते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आप PS में पढ़ के आ चुके होते हैं, आपका इनका बड़ा अच्छा इंट्रेक्शन हो चुका होता है, तो आप इनको बेहतर जानते हैं, तो आप इनके कोर्स में जाएं, आप एक्सेस कर सकते हैं, इनकी वीडियोस को देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने कोर्सेज को कैरी आउट किया होता है। उसके बाद है जी हमारे पास अजमल कांजू साहब, ये सैफ कंसल्टेंट, CA फाइनलिस्ट हैं, MPhil फाइनेंस हैं, MBA फाइनेंस हैं, और ये एक इस वक्त पाकिस्तान के टॉप की फर्म्स में एज अ मैनेजरियल लेवल के ऊपर सर्व भी कर रहे हैं, एक इदारे के ये वाइस प्रिंसिपल भी रह चुके हुए हैं 1-2 साल के लिए, और इनके नियर पीयर के ऊपर जो कोर्सेज जो हैं ऑफर हो रहे हैं, CAP 1, FAR 1 और CAP 5, FAR 2 ऑफर कर रहे हैं इनके, लाइक इनकी जो USP है, जो इनका जो यूनिक फीचर है कि ये 1 पेजर समरीज जो है इन्होंने बहुत अच्छी ऑफर की हुई है, पूरे पूरे चैप्टर को एक पेज पे कंबाइन किया हुआ है, बच्चों को बड़े कैलकुलेटेड, बड़े इजी वे में लेके चलते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट्स पे कैरी कर रहे होते हैं, प्री कैश कोर्सेज करवा रहे होते हैं, एक ऑडिट फॉर्म में एज अ मैनेजर के तौर के ऊपर अभी भी सर्व कर रहे हैं। इनकी FAR 2 होगी, FAR 1 होगी इनकी समरीज, फिर ओवर द पास्ट 1 ईयर ये 40-40 अटेम्प्ट के सवाल जो है बच्चों को करवा रहे होते हैं, सेल्फ सर्टिफाइड है, क्लास इनकी बहुत हेल्पफुल होती है, इनका टीचिंग मेथड जो है बड़ा वो लाइक सादा सा है, एक फॉर्मेट पे लेके आते हैं, फॉर्मेट से सारा कुछ करवा रहे होते हैं, तो बच्चे जो है इनको बड़ा पसंद करते हैं, जो इतने बड़े सब्जेक्ट के वॉल्यूम से डरे होते हैं, जैसे R2 बहुत बड़ी है, तो एक पूरा पढ़ते हैं स्टैंडर्ड, उसको कहते हैं जी हमने पूरा पढ़ लिया, इसका 1 पेजर ही है, इसको एक सफर भी कर लो आपका हो जाएगा। तो ये हमारे सर अजमल खान जो है, आप इनके कोर्सेज में जाएं, आप इनके डेमो वीडियो देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने कैलकुलेटेड वे में क्या कर रहे होते हैं, चीजों को लेकर चल रहे होते हैं। उसके बाद ओहो तो मेरी बात आ गई है, मैं अपने बारे में कुछ नहीं बोलूंगा वरना सेल्फ रिव्यू थ्रेट जो है वो आ जाएगा मेरे, सिंपल आप 2 कोर्सेज हैं नियर पीयर पे एज ऑफ नाउ, मुस्तकबिल में और भी आ सकते हैं, चाहे मैं PRC में हूँ, चाहे मैं ग्रुप B में हूँ, मेरा टैक्स है, मेरा R1 है, टेक्स का चूंकि मैं अभी बताया तो सिलेबस अपडेट कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे वीडियो रिकॉर्ड करके कोर्स अपडेट हो रहा है, मेरे इसी टेक्स के कोर्स में स्टूडेंट का 2022 मेरिट सर्टिफिकेट आया था, मेरी न्यूमेरिकल शीट समरीज वगैरह होती हैं जो वाइडली फेमस होती हैं, हर सेशन के एंड पे लाइक डिविजन कोर्सेज करवाता हूँ जिसमें हजारों बच्चे आते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है मेरा, लाइक मैं कभी भी आप हूँ तो मैं हर रिजल्ट के बाद अपने बच्चों का रिजल्ट शोकेस करता हूँ, आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, दैट्स इनफ फॉर मी, अगर मैं अपने बारे में नहीं बोलूंगा, आप मेरे कोर्सेज पे जाकर डेमो वीडियोस देख सकते हैं, और अभी जो कि मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ, तो मैं अपना पूरा कोर्स दोनों जो है उनको प्योर फेस कंटेंट पे लेके आ रहा हूँ, आपको शायद अगर आप चाहें तो आपको टेक्स्ट में अंदाजा भी होगा कि मेरी वीडियोस अपडेट हो रही होती है, फेस कंटेंट में आ रही है, बाकी आप खुद जज कर सकते हैं, आप मेरे कोर्सेज में जाएं, आप उनके डेमो वीडियोस देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा, मैं अपने बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, सेल्फ रिव्यू नहीं करूंगा, लेकिन मेहनती आदमी हूँ ये मैं कह सकता हूँ। उसके बाद उसामा वही साहब, सारे जानते हैं इनको, बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली इनका एटीट्यूड है, बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली एटीट्यूड है, इस वक्त नियर पीयर पे ये कैफ लेवल में CAP 4 और CAP 8 ऑफर कर रहे हैं, PRC में इनके कोर्सेज जो है मौजूद है, और मोस्ट प्रोबेबली जल्दी इनका CAP 7 जो है वो भी हमारा
जाएगा। नियर पीयर पे हो गया और ऑनलाइन वर्ल्ड में हो गया, तो ऑडिट के हाईएस्ट टीचर्स में रेट हो रहे होते हैं। सीए नोट्स पे ये ऑडिट हो गया, बीएम हो गया, और उसके अलावा सीफैप में जाएं तो वहां पे ऑडिट हो गया, कॉर्पोरेट लॉ हो गया, तो इन सब्जेक्ट के एज एग्जामिनर के तौर पर सर्व कर रहे होते हैं। क्रैश कोर्सेज वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट बेतहाशा करवाते हैं, हर सेशन में भी करवा रहे होते हैं, स्टूडेंट के साथ एंगेज रहते हैं। आप इनको मसला बताएं तो ये आपको स्टूडेंट को कहते हैं ना हॉल तक छोड़ के आते हैं, मतलब ये आपको घर तक छोड़ के आने वाले हैं। मतलब बच्चे की काउंसलिंग करते हैं, वेरियस काउंसलिंग सेशन, वन टू वन इन्वॉल्वमेंट, तो बच्चों के ना फादर फिगर बनते रहते हैं। आप इन्हें बता देना सर मुझे ये मसला है, तो ज्यादा परेशान हो जाते हैं, आपको गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मोटिवेट करते हैं। इनके अप्रोच, इनके पास पेपर के सेशंस जो हैं वो बहुत बेहतरीन होते हैं। आप इन कोर्सेज में जाएं, आप इनको एक्सेस करें कोर्सेज को, वहां पे जाके आप इनके डेमो वीडियोस देख सकते हैं, आपको अंदाजा हो जाए कितने पोलाइट वे में लेके चल रहे होते हैं और कितने प्रोफेशनल वे में लेके चल रहे होते हैं, चीजों को आसान बनाते हैं। तो ये हमारे पास उसामा वही साहब है जो ऑफर कर रहे होते हैं अपने कैफोर कैफेटा कोर्स। उसके बाद है जी सर बाबर अकरम, जो कैफ लेवल में कैफ वन और कैफ फाइव जो है वो ऑफर कर रहे हैं, बहुत ही मेहनती टीचर है, और इन्होंने पूरा अपना कोर्स जो है फेस कंटेंट पे रिकॉर्ड करवाया होगा। यंग है, एनर्जेटिक है, इनका स्टूडेंट फ्रेंडली जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा है, टीम के स्टूडेंट जो है वो बहुत ही इनको हाईली रेट करते हैं, बहुत फोकस क्लासेस आते हैं, कंटेंट इनका बड़ा एंगेजिंग है, प्रैक्टिकल अप्रोच इनकी बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करवाते हैं चीजों की। तो बाबर अकरम साहब इनके भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप नियर पीयर के ऊपर जाए कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, आप इनकी फ्री वीडियोस वगैरह दे सकते हैं। अक्सर नियर पीयर की तरफ से ऊपर जो गाइडेंस सेशंस होते हैं, जो काउंसलिंग सेशंस वगैरह होते हैं, वो बाबर अकरम साहब ही ऑफर कर रहे होते हैं। पीआरसी में भी इनका कोर्स मौजूद है, गाइड कर रहे होते हैं बाबर अकरम साहब। उसके बाद हमारे पास आती है मिस आमिना अब्बासी, लाइक देर आर वेरी फ्यू फीमेल्स जो टीचिंग प्रोफेशन में आती हैं, खासतौर पर सीए में, तो मिस आमना अब्बासी जो है वन ऑफ देम। ये नियर पीयर पे टैक्स ऑफर कर रही है, पिछले 11-12 साल से ये ऑनलाइन टीचिंग में इन्वॉल्व है, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, कैप लेवल्स, सीए में और वेरियस प्रोफेशनल एजुकेशन में है, डिफरेंट इंटरनेशनल नेशनल लेवल्स का इनके पास एक्सपीरियंस है टीचिंग के परस्पेक्टिव पे। इनका कोर्स जो है बहुत ही लाइक स्मार्ट वे में बना हुआ है, एंगेजिंग कंटेंट है, एंगेजिंग स्लाइड्स है, इनकी ओन इनकी स्लाइड्स को इन्होंने बुक के फॉर्म में पब्लिश किया हुआ है, स्टूडेंट्स को बहुत ही लाइक कैलकुलेटेड वे में लेके चल रही होती है, इनको इंगेज करती है, इनको बता रही होती है, इनके बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, तो बच्चे जो है इनके अप्रोच को पसंद कर रहे होते हैं। आप इनके भी कोर्स में जाके आप इनकी फ्री वीडियोस जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कितने ही आई कैचिंग वे में पढ़ा रही होती है, कितने ही पोलाइट वे में चीजों को लेके चल रही होती है। ये हमारे पास आते हैं सामना वासी। उसके आते हैं हमारे पास हमजा भट्ट, यंग टीचर है, कैम्ब्रिज लेवल में बच्चों को डील कर रहे हैं, ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में, पिफा वगैरह में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, और बाकी क्वालिफिकेशन का इनका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 7 साल से ज्यादा है। एलजीएस हो गया, लुकास हो गया, बीकन वगैरह के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैम्ब्रिज लेवल भी है, अकाउंटिंग सब्जेक्ट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेजर सब्जेक्ट है। इनका स्टूडेंट जो है वो 5,000 से ज्यादा वर्ल्ड वाइड है, और कैप 3 को बड़ा अच्छे वे में, बहुत ही कहते हैं ना आप यूनिक वे में लेके चल रहे होते हैं। अब इनके भी कोर्स में जाके एक्सेस कर सकते हैं, जिन्होंने पढ़ाया है उसको देखे, उनके फ्री मॉड्यूल्स जो है, फ्री चैप्टर्स जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट हमारी फैकल्टी लाइनअप जो हमारे यहाँ पे थी। तो नियर पीयर जो है ये सारी फैकल्टी लाइनअप है जो ऑफर कर रहे हैं, तो हमारे पास सबसे ज्यादा सबसे बड़ा जो है पोस्ट वह जो है वो हम ऑफर कर रहे हैं, जिसमें कैफ वन में है, फेयर वन में हमारे पास सर जुबैर सलीम का कोर्स मौजूद है, सर जहाजेब खान का कोर्स मौजूद है, वसीम अकरम साहब का, फरूख हमजद साहब का, अजमल कांजू साहब का और वसीम अकरम साहब का, बाबर अकरम साहब का, तो 6 टीचर्स का कोर्स मौजूद, जिसके साथ फ्रिक्वेंसी मैच करती है, आप वहां पर क्या कर सकते हैं, अपना एडमिशन ले सकते हैं। फिर टैक्स की अगर बात करें, टैक्स में फरूख हमजद साहब हैं, अली इमरान साहब हैं, मिस आमना अब्बासी हैं, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं बात की है। अली इमरान साहब के बारे में माजरत से मैं वहां पर फैकल्टी लाइन में बोलना भूल गया, अली इमरान साहब लाइक वन ऑफ द हमारे हमारे वेंचर के मोस्ट सीनियर टीचर्स में आते हैं, फिजिकल कॉलेजेस में इनका बेस्ट एक्सपीरियंस है, 8 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, इनके बच्चे भी गोल्ड मेडल लेके आते हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट स्टूडेंट इनकी रेशियो है, आई कैप के सेशंस करवा रहे होते हैं, इनका भी कोर्स जो है फेस कंटेंट साथ पड़ा हुआ है, आप लाजमी जाके वेबसाइट पर कोर्स को एक्सेस कीजिएगा, लाजमी इसको देखिएगा, और लाइक
सीनियर टीचर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक्स फैकल्टी मेंबर रह चुके हुए हैं कुछ कॉलेजेस के, अभी एसबीआई में एज अ परमानेंट फैकल्टी मेंबर के तौर पर काम कर रहे हैं। तो बड़ा इन्होंने कोर्स, बड़ा ही एंगेजिंग कोर्स अपना टेक्स का पढ़ा हुआ है, जिसको जाके आपने क्या करना है, लाजमी एक्सेस करना है, लाजमी आपने देख। उसके बाद अगर हम सीएमए की बात करें तो अब्दुल अजीम साहब का कोर्स मौजूद है, आतिफ अफजल का कोर्स मौजूद है, वसीम अकरम साहब का, हमजा भट्ट का। बिजनेस लॉ में आतिफ अफजल का कोर्स मौजूद है, मलिक मुमताज साहब का कोर्स मौजूद है, उसमें वही सब कोर्स जो है वो इसमें मौजूद है। उसके बाद अगर हम बात करें एफ ए आर टू की, दिस इज एफ ए आर टू, एफ ए आर टू में बाबर अक्रम साहब का, जुबैर सलीम साहब का, अजमल खानजू साहब का, वसीम अकरम साहब का कोर्स मौजूद है, एम एफ ए में अब्दुल अजीम साहब का, आतिफ का, वसीम अकरम साहब का और सर आतिफ का कोर्स जो है मौजूद है, जिसमें आतिफ साहब का मेनली जो है वो मैनेजेरियल पोर्शन जो है बीच में इन्वॉल्व है। उसके अलावा कंपनी लॉ में बात करें तो आफिस साहब का कोर्स मौजूद है, जो इस सेशन में इंशाल्लाह ये अपना फास्ट ट्रैक भी देंगे आपको इंशाल्लाह। तो इसके अलावा ऑडिट में समा वहीद साहब का एक इंडिपेंडेंट कोर्स और एक कोर्स आते हैं आफिस साहब और समा वहीद का मौजूद है, जिसमें प्रैक्टिस समा वहीद साहब की है और कोर्सेज जो है वो आफिस साहब के हैं। तो ये सारे कोर्सेज जो है पोस्ट बैचेस में हम ऑफर कर रहे हैं, तो 25 से करीब कोर्सेज जो है वो हमारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, पोस्ट बैच में ऑफर हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी फैकल्टी, सबसे बड़ी कोर्सेज के लाइनअप जो है वो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, जो कोई भी ऑफर नहीं कर रहा होता। वो अपने पसंद के टीचर पे जाके वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं, आपको अगर उनकी वीडियो पसंद आती है आप उनके कोर्स में इनरोल्ड हो सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द फैकल्टी। आप कुछ बात करें फी एंड डिस्काउंट की, तो अगर रेगुलर कोर्स आप बाय करते हैं तो आपको उसमें डेडिकेटेड लेक्चर मिलेंगे, 12 बिटलेटर्स मिलेंगे, लाइव सेशंस मिलेगा, टेस्ट सिस्टम मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी और टीचर्स का स्टडी मटेरियल जो है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इसकी फी डिस्काउंटेड जो है वो 10,500 है। अब 10,500 में क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। और अगर आप नियर पीयर प्लस प्लस में जाते हैं, जो हमारा प्लस प्लस मॉडल है, इसमें आपको फिजिकल एक्सेस भी चाहिए, लाइब्रेरी की सपोर्ट भी चाहिए, जिसमें एसबीआई की लाइब्रेरी सपोर्ट आपको मिलेगी, और स्पीकर टीचर्स में जो फिजिकली मौजूद है अगर उनके कोर्स हैं तो वो उसकी फी हमारे पास क्या है, 14,000 हम फी चार्ज कर रहे हैं, जिसमें फिजिकल क्लास एक्सेस आप कर सकते हैं। जस्ट एक एग्जांपल, अगर आप मेरे से टेक्स्ट पढ़ रहे हैं सीनियर पीयर पे, तो आप मेरी फिजिकल क्लास में आके बैठ सकते हैं, आप आतिफ अफजल साहब से पढ़ रहे हैं आप उनकी क्लास में आके बैठ सकते हैं, आप फिजिकल टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टीचर से मिल सकते हैं, हैंड ऑन कोर्सेज जब आप करेंगे एसपीएस से आपको उसमें सब्सिडी मिल जाएगी, लाइब्रेरी की एक्सेस मिलेगी, वो तमाम फीचर जो है रेगुलर कोर्स के वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इसकी फीस जो है वो 14,000 है। तो ये हमारा प्लस प्लस मॉड है और वो हमारा रेगुलर कोर्स है। तो सबसे इकोनॉमिकल जो है वो हम इसको लेके चल रहे होते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल मॉड जो है वो हमारा यही है, और इस वक्त पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल कॉलेज भी जो है हमारा नियर पियर ही आप प्लेटफॉर्म को सेटल कर सकते हैं। So that was all about हमारा यहाँ पे। अब आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं तो वो मैं लेता हूँ। आपके जो भी सवाल हैं मेरे से पूछ सकते हैं, आपके तमाम सवालों का जवाब जो है वो दूंगा, और कोई कंफ्यूजन, कोई किसी किस्म का कुछ हुआ, I'll be there to respond you। उसके अलावा अगर आपको मेरे से कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए हुई, मेरे से कुछ पूछना हुआ, तो आप मुझे भी पर्सनली, अगर आपने एडमिशन के लिए रब्ता करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, गाइडेंस के लिए चाहिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरे से कोई चीज़ या सपोर्ट या गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम नियर पीयर हो गई, हमारी टीम होगी, एवरीवन विल बी देयर टू रिस्पॉन्ड यू, टू रिस्पॉन्ड योर क्वेरीज। बाकी सवाल वगैरह हुए तो आप मुझसे ही पूछ सकते हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। डैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज ओरिएंटेशन। ठीक है, अब हमारा मंडे से जो है वो स्टार्ट हो रहा है पोस्ट बैच। हमारे टीचर्स की ओरिएंटेशन जो है कुछ की रिकॉर्डेड फॉर्म में उनके पोर्टल पे आ जाएंगी और कुछ की जो है वो लाइव होंगी, जिसके बारे में हम टाइमली कम्युनिकेट कर देंगे। किसी भी टीचर के एडमिशन से पहले आप उसके कोर्स में जाके उसका कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, उसमें जाके देख सकते हैं कि उन्होंने क्या करवाया है, किस तरह करवाया है।
तो जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, आप उस टाइम में क्या कर सकते हैं, इनरोल हो सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अ किक स्टार्ट सेशन। अगले वीक में हर टीचर की ओरिएंटेशन आ जाएगी, आप प्लान करें और आप अपना पेपर जो है वो पास करें, ठीक है। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह इसी सब्जेक्ट वाइज ओरिएंटेशन में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।